इस शहर में गुजरे हैं यादों के लम्हे, हर सांस में तेरी ही याद आती रहे, देखूं जिधर सब है अपने अपने यहाँ, इस शहर में गुजरे हैं यादों के लम्हे। सलाम नमस्ते यूएई के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं तराना। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल यूएई में हम मना रहे हैं द ईयर ऑफ गिविंग। तो अगर किसी को कुछ देना ही है, आजादी से बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है। यहाँ यूएई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली जेल में सजा काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पाते। और इन लोगों का कर्जा चुकाकर इन्हें आजादी का तोहफा देते हैं प्योर गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर फिरोज मर्चेंट। एवर सिंस ही स्टार्टेड द इनिशिएटिव, ही हैज नॉट ओनली हेल्प्ड मेनी पीपल गेट आउट ऑफ जेल बट ऑल्सो रीच बैक होम सेफ एंड साउंड। He truly epitomizes humanity, compassion, and large-heartedness. And it is our pleasure to introduce you to him in our first segment, Bade Dilwale. Mr. Merchant, Salaam Namaste UAE mein, aapka swagat hai. Thank you. And sabse pehle, thank you very much. Hamare segment ka naam hai Bade Dilwale. And I don't think UAE mein aapse bada dilwala koi hoga. To do what you do, which is आप इतने सारे लोगों का कर्जा चुकाते हो और उनको आजादी देते हो, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो ये ख्याल कब आया आपको? ये ख्याल 2008 में जब दुनिया के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई। हाँ जी। और वो जो क्राइसिस के जो इफेक्ट है ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आए। हाँ। और हम सबको पता है कि 2008 के पहले यूएई के अंदर 2003 और 4 से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बूम हुआ था। करेक्ट। और आपने हमने सुना भी था कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेन अगर कहीं है तो वो दुबई में है। कुछ 33% क्रेन दुनिया के यहीं पे थे। ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत बहुत जोर से चल रहा था। right. और जो क्राइसिस है ग्लोबल, वो क्राइसिस ने ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी हीट किया। करेक्ट। जब वो हीट हुआ तो उसके वजह से काफी लोग जो थे उनके जॉब जो थे वो जॉब चले गए। द सेम टाइम जो ब्लू कॉलर से जो बेचारे एक हेल्पर बन के इधर आए थे, कॉन्ट्रैक्टिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करते थे, और वो सब जो है वो सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। और वो जो हालात जब डेवलप हुआ, वो हालात जब बने, तो ये हम समझते हैं कि जो कुछ भी होता है वो ऑलमाइटी लॉर्ड के तरफ से होता है। मैं रास्ते से गुजर रहा था और देख रहा था, तो काफ़ी ब्लू कलर्स के लोगों को देख रहा था, तो मुझे ये हो रहा था कि ये बेचारे लोगों का कसूर क्या है, ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्यों परेशान है। और फिर काफ़ी बातें मेरे पास, मेरे नॉलेज में और मेरी नोटिस में आई कि काफ़ी लोगों का जॉब चला गया है, क्योंकि हमारे पास भी हमारा बिजनेस हम रन करते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आने लगी, अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन की नोटिस में आ जाता है कि सडनली इतना टर्न क्यों आ गया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि कुछ इशू है जो इशू को हमको अंदर तक जाके देखना चाहिए। और फिर देखने के बाद लगा कि ये इशू एक वो है, मेजर इशू है जहाँ पे हमको मदद करनी चाहिए लोगों की। और वो मदद करने के बारे में फिर मैंने अपनी इसके ऊपर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई। ज़रूर आप ये सवाल करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने किया कैसे और कहाँ से किया। मुझे पता है ये सारी चीज़ें जो है अंडर द इंटरियर मिनिस्ट्री आती है, जैसे कि जो लोग जेल में होते हैं, प्रिजन्स में होते हैं, प्रिजन्स को बाहर निकालना, ये सारी अंडर द सिक्योरिटी और इंटरियर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ओके। मेरे पास अपने कुछ रिसोर्स थे, अपने कोई कांटेक्ट थे, जो रिसोर्स और कांटेक्ट को यूज़ करके इंटर मिनिस्ट्री के सीनियर लेवल के लोगों को जाके मैंने मिला। जो मिनिस्टर्स के जो असिस्टेंट्स थे, जो डायरेक्ट जो रिपोर्ट करते थे, उनसे मैंने बात की और मैंने ये प्रपोजल उनके सामने रखा कि मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो जेल में है और काफ़ी लोग जो है वो जेल में है वो सिर्फ ओनली डेप्थ के वजह से, जो उन्होंने अपना कमिटमेंट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे अपने कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, और उसके वजह से वो ये जेल में जाके बैठे हैं। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और मेरी बात सुन के उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल किए। बोले तुम किस किस्म की मदद करना चाहते हो? मैंने कहा बस सिंपल है, अंडर द पैट्रोनेज, अंडर द गाइडलाइन ऑफ द इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो हमको गाइड करेंगे, जो आप एडवाइस करेंगे वो हम काम करेंगे, अंडर द आपकी सुपरवाइजिंग होगा, और जैसे भी आप बताएंगे उस तरह से काम करेंगे हम।
मेरा रोल होगा मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूँ, बाकी रिलेटेड जो भी इसके तरीके जो होते रिलेटेड वो तरीके से हम काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ कि अगर एक लेबर एक आदमी को लोग ने पकड़ा और जेल में डाला, अब उसके पास पासपोर्ट नहीं है या उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो उसका पासपोर्ट रिन्यू करना या पासपोर्ट नहीं है तो उसको आउट पास इशू करवाना या कॉन्सुलेट का काम है या हमारा काम नहीं है। तो उस तरह से काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें कनेक्टेड होते हैं जिसके ऊपर बैठ के हम लोग ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग की। सेकंड सवाल उन्होंने किया कि चलो ठीक है ये बात तो हमने मान ली, आप ओरिजिन कहाँ से हो, मेरे को पूछा जबकि उसको पता था बट मैं समझ गया था उसका मतलब। तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो बोले आप सिर्फ इंडियन की मदद करना चाहते हो, तो मैंने कहा योर एक्सेलेंसी पहले हम इंसान हैं फिर इंडियन बने। तो एज ए इंसानियत के नाते से मैं हर नेशनलिटीज़ की मदद करूँगा जिसको पर आप लोग एंडोर्स करेंगे और जिस पर आप लोग मुझे कहेंगे कि इसकी मदद कर। तो बोले ठीक है। सेकंडली मुझे पूछा कि कोई आपके पास रिलीजियस का कुछ है इसमें कि सिर्फ एक्स वाई जेड मज़हब के लोगों की मदद करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे दोनों सवाल के जवाब बड़े आसान हैं कि मैं पहले ह्यूमन हूँ, पहले मैं इंसान हूँ, उसके बाद मेरा मज़हब बना और उसके बाद मेरी अपनी नेशनलिटी हुई। करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ों को आप साइड पे रख के हर मज़हब के लोग और हर नेशनलिटीज़ के लोगों की हम मदद करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, सिर्फ आप मुझे गाइड करते जाओ और मैं कौन कौन डिजर्विंग है एंड जो जो डिजर्विंग है मेरे को गाइड करो, मैं रिलीज करते जाऊँगा इनको। तो ये फिर शुरू हुआ 2008 में और 2008 लास्ट क्वार्टर से शुरू हुआ, डिस्कशन शुरू हुआ, मीटिंग से शुरू हुई, बातें शुरू हुई, फिर इन्होंने अपना मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दी इनको कि इनकी एक जॉइंट मीटिंग करा दो पूरे यूएई के कमांडर्स के साथ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ, सेंट्रल जेल के जो है इनके साथ, और इनके साथ बैठ के इनकी जो प्लानिंग करनी है कैसे करनी है शुरू करो। और हमने वहाँ से काम शुरू किया। सो आई नो अब तक कुछ 900 लोगों को आपने ऐसे रिहा करवाया है। हमने जनवरी के पहले लास्ट ईयर तक 5,500 लोगों को रिहा करवाया था। 5,500 लोगों को रिहा करवाया था। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे मिस्टर फिरोज मर्चेंट क्यों बने हमारे सबसे बड़े दिल वाले। जो मैंने सोचा था कि $1,000,000 पूरा साल ले जाऊंगा बट पूरे साल के पहले 3 महीने में खत्म हो गया। इन लोगों को पता कि आप ऐसा करते हो? 100% ये तो ऐसी चीज है। हाँ मैंने कहा ना 15-20-25 लोगों से मेरे थे, लेकिन बट इसके बाद क्या होता है बेचारे लोग कांटेक्ट नंबर मांगते हैं मेरा। हाँ। और कुछ लोगों के लोग देते हैं, मतलब ईमेल वगैरह आते हैं ये लोग पर, आते हैं। एक इंसिडेंस हुआ था जो 2008 के बाद की क्राइसिस के साथ में जो मैंने हेल्प शुरू किया था वो मेरा प्रोसेस चालू था। तो 2009 या 10 के बीच की बात है, मैं दुबई जेल में बैठा था, सेंट्रल जेल में। वहाँ का डायरेक्टर जनरल पुलिस मेरे को बोलता है कि मुझे पता है कि तू क्रिमिनल की मदद नहीं करेगा, मुझे पता है कि तेरा जो काम करने का तरीका अलग है, बट एक फाइल है मेरे पास जो मैं तेरे सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या है? तो बोले उसका फाइल जो है उसका केस है वो मर्डर केस है। तो मैंने कहा प्लीज इधर ही रुक जाओ। तो बोले सुन लो। तो पेइंग ऑफ रिस्पेक्ट, मैंने कहा ठीक है बताओ क्या बात। तो वो फाइल जब टेबल पे रखी तो फाइल का केस ये था कि वो जो शख्स था वो हमारे इंडिया में नॉर्थ का था और वो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करता था और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में काम करता था और वो कोई फ्लोर्स के ऊपर उसके हाथ से हथौड़ी गिर गई, जिसको अंग्रेजी में हैमर बोलते हैं। हैमर गिर गया, हथौड़ी गिर गया और नीचे किसी के सर पे लगी और वो मर गया। अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट, बट लोग के हिसाब से मर्डर हो गया। अरे बाप रे, किल किया। तो उसके लिए उसके ऊपर उसको एक हम लोग अरबिक में बोलते हैं ब्लड मनी, जो दिया बोलते हैं, दिया ब्लड मनी 70,000 दिरहम उस पर ब्लड मनी आया 70, और उसको कुछ 10 साल की सजा हुई थी। वो गरीब ने 10 साल की सजा तो पूरी कर लिया था और 13 साल हो गए या 14 साल हो गए थे, 3-4 साल ऊपर चले गए। अब वो जेल में रह रह के वो अपना मेंटल लेवल खो दिया था, पागल जैसा हो गया था, सब कुछ भूल गया था कि दुनिया भी है और दुनिया में भी लोग जीते हैं और जीना भी चाहिए। उसको कुछ एहसास नहीं था, अकेला अकेला बैठा रहता था, दुखी रहता था। मैंने कहा उसको बुलाओ मेरे पास। उन्होंने बुलाया, मेरे सामने आया, खड़ा रहा। मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। मतलब पानी पिएगा? कोई जवाब नहीं दिया।
तो पानी का गिलास वहाँ पड़ा था, मैंने उनको पानी पिलाया और बोला बैठो भाई बैठो करके बिठाया उनको। मैंने कहा फैमिली से मिलना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो? कौन सी फैमिली, मेरे को सवाल करता है। कौन सा मेरा घर, दूसरा सवाल करता है। मैंने कहा आपका अपना घर नहीं है? बोलता यही तो मेरा घर है। मैंने कहा आपकी अपनी फैमिली नहीं है? बोलता ये सब तो मेरी फैमिली है। मैंने कहा आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई रिश्तेदार? मेरा कोई नहीं है, मेरा यही सब कुछ है। इतना दिल भर गया सुन के, भूल चुके होंगे, मेरे को अभी पता नहीं है मेरी दुनिया क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, जो भी है मेरा यही सब कुछ है। जो वर्ड उसने ऐसा बोला ना, आप समझो उसी टाइम मेरे को करंट आया अंदर, शॉक लगा। मुझे पता है कि मैंने कमिट किया था कि मैं कोई क्रिमिनल की मदद नहीं करूँगा और कोई भी क्रिमिनल के साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कमांडर से आपका क्या ओपिनियन है और आपकी केस फाइल क्या बोलती है? बोलते हमारा केस फाइल बोलता है कि यह आदमी जो है, मैं मेरे को बोलता ऑफ द रिकॉर्ड लो है मेरे को बोलता है। अब तो उसकी सजा भी पूरी हो गई, बट जितनी उसको पनिशमेंट मिलनी थी पूरी हो गई उसको, इसको घर भेज देना चाहिए मुझे कहता है, इसकी मदद करना चाहिए, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, कभी जेल में इतने साल निकाला और कभी हमको इससे कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे पास काफ़ी कैदी आते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं, बट इसने ऑलवेज हमको कोऑपरेट किया है, इसका सारे रिकॉर्ड फाइल के अंदर है। अगर आप मेरा पर्सनल एज एक इंसानियत के नाते से ओपिनियन मांगते हो, बोले मैं सीट पे बैठा हूँ तो ऑफिसर हूँ, बट इंसानियत के नाते से तो मैं चाहूँगा कि आप इसको घर भेज दो। मैंने कहा अब भी कभी इसकी फाइल रेडी करो, अब भी कभी सब कुछ रेडी करो, पहली फ्लाइट में जाएगा ये, कोई दूसरी फ्लाइट नहीं होगी, प्रोसीजर शुरू करो, मैं आपको चेक भी भिजवा देता हूँ 70,000 दिरहम का, इसकी टिकट सारा, और प्लस इसको 3,000 दिरहम में कैश देना चाहता हूँ, वो 3,000 की अपने बीवी बच्चों के लिए शॉपिंग करे। मैंने कहा इसकी फाइल में देखो तो उसके फैमिली मेंबर कौन कौन है, तो उसने बताया इसकी माँ है, इसके बाप है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे, सब बताया मेरे को। मैंने चेक दिया, चेक डिपॉजिट हुआ, कोर्ट से रिलीज ऑर्डर आया, जैसे कोर्ट का रिलीज ऑर्डर आया तो उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया था, तो पासपोर्ट रिन्यू करने में टाइम लगता है, आपको पता है, तो लोग एक आउट पास बोलते हैं, अच्छा। जिसके अंदर 3 महीना वैलिड पासपोर्ट हो जाता है, अच्छा। पर वो आउट पास देने के पहले लोग सर्वे चेक करते हैं कि ये ओरिजिन इंडियन है कि नहीं, ओरिजिनल जगह से है कि नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी बोलेगा मैं इंडियन हूँ तो इसका मतलब इंडियन थोड़ी है, करेक्ट, करेक्ट। या कोई भी बोलेगा मैं यूएई हूँ का तो यूएई का थोड़ी है, तो उसकी पूरे रिकॉर्ड प्रूफ करना पड़ता है, राइट वर्ड। सब कुछ देखने के बाद प्रॉपर फाइल भी मैंने कॉन्सुल जनरल को भी उस टाइम पर रिक्वेस्ट की थी, तभी हमारे कॉन्सुल जनरल मेरे ख्याल से प्रभु दयाल थे, अच्छा। मैंने कहा मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये फाइल को आप लोग टॉप प्रायोरिटी में लेके आप लोग हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू जल्द से जल्द इसकी जो भी फॉर्मेलिटी से कंप्लीट कराओ और उनको आप प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से भिजवा देना। बोले फिरोज भाई मैं फुल एफर्ट लगाऊंगा, खाली पुलिस सॉरी जेल से बोलो मेरे को इधर भिजवा दे, या मैं हमारा कॉन्सुलर को उधर भी, मतलब प्लीज़ करो आप लोग जो लीगल काम है आप लोग करो, मेरा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है और ना मैं कोई एडवाइस करूँगा ना मैं इसमें कहीं आपके साथ आऊँगा, ये आप लोग का काम है। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर अकॉर्डिंग टू द वो एलिजिबल है, हमारा इंडियन है, सब कुछ आपके पास है, तो उसको आप आउट पास इश्यू कर देना। बोले मैं गारंटी देता हूँ उसको 24 आवर्स में मैं इसका आउट पास बनाऊंगा। प्रभु दयाल ने स्टेटमेंट दिया। देखो हमारी गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स, हमारा ब्यूरोक्रेट्स कितना एफिशिएंट है, आप देखो। ये स्टेटमेंट दिया क्योंकि उसको पूरी स्टोरी बताया था। बेचारा बोला मैं इसको 24 घंटे में कराऊंगा, आउट ऑफ द वे टाइम वेस्ट इधर उधर लगा के कराऊंगा, और फटाफट ये लोग ने काम शुरू किया। एक बाजू कोर्ट में पैसा पे किया, दूसरी बाजू ये किया, तीसरी बाजू टिकटिंग किया, और सब कुछ होने के बाद उसको हम लोग ने भेजा। 2-3 महीने के बाद वो आदमी ने मेरे को इंडिया से फ़ोन किया और मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग कॉल था। मेरे को बोलता है सर मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचाना, वाकई में मेरे को याद नहीं था। सर बोले आपने मेरे को नई ज़िंदगी दी, सर मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ, सर मैं सूखी रूखी रोटी खाता हूँ, सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ, सर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहा हूँ, सर थैंक यू सो मच, सर मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ, मेरे को पूछता है। मैंने कहा मेरे कुछ काम नहीं आना, बट जिंदगी में किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना जो। बोले सर मेरा कसूर बताओ। सर मैं क्या करता था, मैं एक काम कर रहा था, मेरा हाथ से छूट गया थोड़ी, सर मैंने खून नहीं करने गया, मैं तो काम कर रहा था। सर अभी आदमी इंसान के हाथ से छूट जाती है और गिर जाती है तो इसका मतलब मैंने गुनाह कर दिया। मैंने कहा छोड़ दो, अब वो टॉपिक पे बात नहीं करो और वो बात में सोचो भी नहीं, वो बात खत्म कर दो, ये तो होते रहता है, भूल जाओ, बुरा सपना देखा था और खत्म हो गया आपका सपना,
अपनी ही जिंदगी जियो, खा पी के खुश हो, कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कुछ मदद नहीं चाहिए सर, मेरे पास कुछ सेविंग है, आपको भिजवाऊँ? मैंने कहा भाई और रखो तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी कितने साल की हो गई? सर 22 साल की हो गई। मेरा उसकी शादी में वो खर्च करना पैसा, और आपकी बेटी की शादी में अगर कोई मदद चाहिए तो मेरी मांगना। बोले सर आपने जो दिया है बहुत है मेरे लिए, और सर मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, अपने पाँव पे खड़ा हूँ, मेरे माँ बाप का, मेरे बीवी बच्चों का, सबका मैं पूरा करता हूँ, और मैं भी ट्रैवल अभी कभी बाहर नहीं जाऊँगा, इधर ही रहूँगा, अपने वतन में रहूँगा, इधर ही मरूँगा और इधर ही काम करूँगा। मैंने उम्मीद रख के गया था, मेरे साथ ये हो गया, सीख के आ गया, अब इधर ही हूँ। ये इंसिडेंस आज तक खत्म नहीं हुआ है। देखो ऐसे भी किस्से दुनिया में होते हैं, जो हम समझते हैं कि गुनहगार है, हम उसको क्रिमिनल में लेके जाते हैं, बट हमें पता नहीं कि उसका बेचारे का इंटेंशन क्या था या काम क्या कर रहा था। तो ऐसे केस थे जो आपके सामने रखा, सो सॉरी मैंने आप लोग को इमोशनल कर दिया, माफ करना मेरे। अरे बिल्कुल नहीं, यू नो आपसे इतना कुछ लोग सीख सकते हैं। आप क्या सीख देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मे बी आपके जितने पैसे ना हो किसी के पास, तो छोटे लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो सेकेंडरी है, सबसे पहले होता है कि देर इज अ विल, देर इज अ विल, देर इज अ वे। और आप विल बनाओ कि हमें कुछ करना है, ऑटोमेटिक वे खुलता है, उसको पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी इंस्पायर्ड ऑलरेडी, सो थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज वी आर ऑल इमोशनल नाउ। After the break, आप देख रहे हैं सलाम नमस्ते UAE, and it's time now for our last and final segment, जिसका नाम है एक छोटी सी आशा। जैसा कि आप जानते हैं, इस segment में हम लोगों की wishes को पूरा करते हैं, और इन wishes को हमने collect किया है from across social media. Now we noticed कि ज्यादा से ज्यादा couples एक ही चीज चाहते हैं, a staycation in the UAE. Now of course we want to do this for a couple, but which couple is the most deserving of them all? हमारे लिए भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी अंटिल वी हर्ड दिस कपल स्टोरी। हेलो, आई एम रुबिना, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव एंड वर्क इन दुबई विद माय हस्बैंड, वी केम इन 2011, वी आर वेरी हैप्पी हियर विद ईच अदर नाउ माय हस्बैंड। रुबीना एंड सदात की कहानी सुनकर आई एम श्योर इवन यू अग्री विद अस दैट दे डिजर्व अ स्टेकेशन। वांट टू कम विद मी एंड सरप्राइज देम? लेट्स गो। रुबीना, सदात, जॉन, वेलकम टू सलाम नमस्ते। हाउ डू यू डू यूएई? यू ए ई। सुपर, वेरी गुड। सो ऑफ कोर्स यू हैव मेट रुबीना एंड सदात अर्लियर, दिस इज मिस्टर जॉन कर्कब्राइट हु विल हेल्प इंटरप्रेट एंड मेक दिस इंटरव्यू गो फास्टर, राइट? इंशाल्लाह। Lovely to meet the two of you, and I am very, very happy to talk to you. Yes. Now, two of you, when did you meet? We met in 2000. 2000. I came to Mumbai. Okay. For a friend's wedding. Ah, he came for a wedding. Okay. He saw me. Uh-huh. When I was crying. Why were you crying? Because there was a problem. Oh, yours? With my hearing, husband. Uh-huh. Then became his friend. Okay. 2004. He told me to he want to marry me. Are you right? Because I have daughter. Okay. I'm big. So that no problem, no matter. Oh wow. Married. So we married. and he's been keeping you happy? Yes. Yes. Happy. Wow. So it's been what, about 13 years since you've been married? 13 years. Before you married. And so Mumbai to Dubai, when? Dubai, 2007 to work. Dubai 2007, got it. Then 2011, I joined him. Ah. And work here. So you got a job in the UAE first? First. So what do you do for work? I work as accountant. Accountant, okay. Washington,
Okay. I work also at an international. Oh. So you must be very good with numbers. Yes. Yes? Yes, ma'am. I believe you were also working in the banking sector. Working in the bank? Bank, yeah. Yes. I was working in Union Bank for 21 years. Union Bank in 21 years? Oh, wow. So I went for under retire. Oh, you retired? Yes. You don't look old enough to retire. Oh, to join him. Okay, all right. And over here, you both are accountants. Yeah? Yes. Well, was it easy to get a job for you? Job, little, difficult. Yeah? Difficult. Dubai husband, too much. In very Dubai? Expensive. Ah, Dubai expensive. It's very, very expensive. I agree. House. House. Yeah, yeah. Advance rent. Rent, yes. House goes to live. Yeah. So now both of you work. Yes. And you drive over here? Second hand. What's a car? Oh yeah. Second hand car. Ah, okay. All right. As long as it moves. Move. Right. So I've been told, where did the two of you go on honeymoon? Where did you go? No honeymoon? Never went for honeymoon. Okay. Me. Home, India? And back to Dubai. Mm. Ah, so how often do you go to India? Every year. One month. So 1 month every year you go back to India. Yes. But the two of you never travel? No. No. I know. So, I have financial problems. Financial problems, okay. Also family, I think, right? Family not well. My mom's not well. Not well. My sister's also dead. Okay. Also not well, mentally disturbed. Mentally disturbed, her sister. Oh, okay. All right. And so, in the UAE or in life, what is the one thing that troubles you a lot and you wish that people like us who can hear and talk would do for you? Okay. What is the big problem for you in life here? Do you want people like us to understand you better? No problem. Yeah. But people must understand. People must understand. People they don't must understand. Hearing people. Problem must learn sign language. Ah. They wish all of us knew sign language. Okay. Yes. So I know a little bit. Apparently, I know the British sign language, which is the A, E, I, O, U. American. So I know that the two of you work really hard, and you told us that you've never really traveled or given yourself a break. So we thought we might be able to give you something, which is a surprise. That's your surprise. Wow. Congratulations to both of you. Hello! We really want to give you a very big surprise from Lama Tours. So he is the MD and the founder, Mr. Kulwint Singh of Lama Tours. This is John, he is helping us interpret. How do you? It's a pleasure to meet you. Thank you. That is Sadat. Hi Sadat. How are you doing? Rubina. Hello madam. How are you doing? And now before you give them the surprise, you have to say surprise! Surprise! So the surprise is going to take you on a very, very memorable holiday that you're going to remember for the rest of your life, and inclusive of all taxes and your breakfast. There you go. Wow, thank you! Rubina, Sadat. It's a wonderful honeymoon. Present for them. Honeymoon! Yeah. After all those years. Yeah. Sir, thank you very much for partnering with us on this. Hamara jo segment hai ek choti si aasha, usme we try and make people's wishes come true. And you've made this really, really special wish come true. So thank you very much. You're welcome. And I think we are very, very grateful that we are part of this. And at Lama Tours, we always see that there is an additional person who we could make happy. I'm very happy that this couple has been chosen. Thank you once again. And thank you for watching. Aapse agli mulaqat hogi. Salaam namaste UAE ke agle episode mein. Jahan this silsila of giving will continue. Until then, remember, be good and do good.